दिखाने की जरूरत क्या पड़ी? आगे दिखा दीजिए, जैसे कि आप जानते NIA नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, बहुत बड़ी देश की एजेंसी है। इन्होंने सलीम फ्रूट को बाकायदा अरेस्ट किए, इनको दिखे कि सलीम फ्रूट जो है ब्रदर इन लॉ छोटा शकील का, इसके तार जुड़े हुए छोटा शकील से, और बाकायदा ये छोटा शकील के कॉन्टेक्ट में था। सलीम फ्रूट को देशद्रोह की कलम लगाई गई, उसे अरेस्ट किया गया। उसके बाद में सलीम फ्रूट को फिर से मुंबई क्राइम ब्रांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने भी जेल से बाहर लाके, खंडनी का एक केस था वो किया, सलीम फ्रूट के ऊपर लगी डबल MCOC। अब बताते हैं हम आपको जावेद एंटी, ये बिल्डिंग आप देखिए मीर अपार्टमेंट, ये बिल्डिंग आती है अरब गली में, मौलाना चौकत अली रोड अरब गली। ये बिल्डिंग जो बनाए थे छोटे मियां मैंने, छोटे मियां का भी जो मर्डर हुआ था, ताज सिनेमा जो है अली टावर इसके बाहर ही बैठे हुए थे। सूत्र बताते हैं कि छोटा राजन कंपनी के लोग आए थे और अंधाधुंध फायरिंग किए थे, उसमें छोटे मियां की जगह पे मौत हो गई थी, साथ में और एक बंदे की मौत हुई। बताने का मकसद यह है कि दोनों एक ही बिल्डिंग है, सिर्फ विंग दो है, दोनों एक दूसरे के घर में आते जाते थे, दोनों का एक याराना दोस्ताना, भाई से बढ़ के दोनों थे, एक दूसरे अपने भाई को नहीं मानते थे लेकिन एक दूसरे को मानते थे, फैमिली जैसा रिलेशन था दोनों, देश विदेश हर जगह घूमे। अचानक ऐसा क्या हो गया कि सलीम फ्रूट के खिलाफ जावेद एंटी को विटनेस बनना पड़ा। जैसे कि आप जानते हैं कि बम ब्लास्ट का जब केस हुआ था 92-93 में बम ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें दो लोगों को विटनेस बनाया गया था, माहिम में भी मासगांव में, और उन्हें गुने का साक्षीदार बनाया गया था, वो लोगों ने विटनेस बने थे। यहां पे जावेद एंटिक विटनेस बना, सलीम फ्रूट जेल की सलाखों के पीछे, जावेद एंटिक ने खुद को सेव कर लिया NIA से। लेकिन हम जो मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच को बताना चाहेंगे कि जावेद एंटिक ने जो सलीम फ्रूट के साथ और काफी गुनाह किए उसका क्या? जावेद एंटी छुट्टे बैल की तरह घूम रहा है, बाकी एजेंसीज तो है, जावेद एंटी के पास करोड़ों रुपया आया, SBUT जैसे 400 के करीब जो बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, डेमोलिश होती थी, सबसे ज्यादा बिल्डिंग सलीम फ्रूट और जावेद एंटी ने लिए थे। क्या SBUT को छोटा शकील का डर दिखाया जाता था? SBUT बिल्डिंग दे देती थी पुरानी और बोलती थी तुम तोड़ो और ये कमाई तुम्हारी, करोड़ों रुपया दोनों ने मिलकर कमाए। अब देखना यह है कि जावेद एंटी को क्या दूसरी जो क्राइम ब्रांच है, दूसरी एजेंसी है, Unit 2 है, Unit 3 है, कौन इसे गिरफ्तार करेगा, कौन इससे इंक्वायरी करेगा, ईडी पूछेगी, इनकम टैक्स पूछेगी, जावेद एंटी का इतना पैसा कहां? हाल फिलहाल जावेद एंटी जो है, ये देखिए क्वीन मेरी रेस्टोरेंट, यह आता है बाइकला पुलिस स्टेशन में, 3 नंबर यूनिट क्राइम ब्रांच की हद में। यहां पे जावेद एंटिक रात को आता है और यहां पे बैठता है, और क्या जावेद एंटिक यहां पे ये रहता है नापाड़ा मीर अपार्टमेंट में जो कि अरब गली में आता, ये अब यहां पे बैठ के क्या यहां के जो दूसरे बिजनेसमैन है उन लोगों के ऊपर नजर रख रहा है, और ये बाहर चेयर डाल के बैठता है 3-4 लोगों को लेके, ये होटल के अंदर नहीं बैठता। मसगांव एरिया एक पॉश एरिया है, यहां पे ज्यादातर बोरी लोग भी होते, किन बोरियों के ऊपर इसकी नजर है? SBUT में तो नजर थी, वहां करोड़ों रुपया कमा। जब सलीम फ्रूट को अरेस्ट किया गया NIA ने, तो जावेद एंटिक को भी देखते हैं हम कि मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच या नागपाड़ा हो गया बाइकला, कौन सी पुलिस इसको अरेस्ट करती है या इसे ताबे में लेती, कौन सा क्राइम ब्रांच लेता है, एक्सटॉर्शन सेल लेता है, कि जावेद एंटिक जो बचा हुआ है ये जब सलीम फ्रूट के साथ में इसका याराना दोस्ताना बहुत अच्छा था, तो दोनों ने मिलकर ये काफी देश विदेश गया। सबसे पहले तो इसका पासपोर्ट जब्त किया जाए कि ये कहां कहां सलीम फ्रूट के साथ दुबई लंदन कहां गया है। सूत्र बताते हैं ये काफी घूमा है, तो पता किया जाए क्या ये दाऊद इब्राहिम से मिला, क्या ये छोटा शकील से मिला, क्या ये अनीस इब्राहिम से मिला, क्या ये जिस तरह से सलीम फ्रूट तो ब्रदर इन लॉ छोटा शकील का था, उसके तो घर के ताल्लुकात थे, NIA ने साबित किया कि वो छोटा शकील के संपर्क में था, जावेद एंटिक भी उसके साथ में अगर संपर्क में था तो जावेद एंटिक भी गुनहगार होता है। चोर के साथ अगर चोरी करेंगे नहीं खड़े भी रहेंगे तो चोर कहलाएंगे, लेकिन जावेद एंटिक और सलीम फ्रूट दोनों जो है पार्टनरशिप में हिस्से में बराबर के हकदार थे, सजा एक ही को मिली है। अब इसका क्या होगा? तो ईडी पता करेगी, इनकम टैक्स पता करेगी, मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच एंटी एक्सटॉर्शन सेल पता करेगी जावेद एंटी की इतनी सारी दौलत आई कहां से। अली टावर सूत्र बताते 10.5 करोड़ में लगभग खरीदा गया, भारत बिल्डिंग भी खरीदा गया, कहां कहां जावेद एंटी पार्टनर है आईने की तरह से साफ है। जब सलीम फ्रूट की प्रॉपर्टी जब्त की जाती है अंडरवर्ल्ड के हिसाब से, तो ये तो अंडरवर्ल्ड का जोड़ीदार था,
इसीलिए ये विटनेस बना, लेकिन मुंबई पुलिस में नहीं बना है। अब तो आगे आने वाला वक्त बताएगा, जब एक इंसान के पास 1 से 1.5 करोड़ में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो ईडी उसकी इंक्वायरी करती। यहां करोड़ों का मामला है। जावेद मर्चेंट उर्फ जावेद एंटिक, जो के ब्रदर इन लॉ छोटा शकील का, साड़ू सलीम फ्रूट का खास राजदार हमराज, वो अब तक क्यों बचा है मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच की नजरों से? इस केस में क्या होता आगे हम आपको बताएंगे, आगे अपडेट देंगे। हमें दीजिए इजाजत, मुंबई से साजिद कुरैशी, एडिटर सुप्रिया टाइम।